हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्लैशबैक 2019 यानी कि 2019 का जो करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे के पूरे जो सीरीज में हम जो 2019 के सर्वश्रेष्ठ जो 1000 एमसीक्यूज, तो इसमें नॉट ओनली 1000 एमसीक्यूज, हम लोग बहुत सारे इसके साथ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करते, तो ये 1000 से ज्यादा हो जाएंगे और हर पार्ट में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस किए जाएंगे, जिसके साथ इसके डिटेल्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होंगे। तो ये सर्वश्रेष्ठ जो एमसीक्यूज है, तो ये अगर एमसीक्यू आप लोग फॉलो करके जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही कॉन्फिडेंटली जा पाएंगे। तो इस पूरे के पूरे पार्ट में हर क्वेश्चन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है रीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो हर क्वेश्चंस को यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो इसके ऑलरेडी जो 7 पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, इसके जो लिंक्स है एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये भाग शुरू करते हैं। कौन से यहां पे जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत जो बेनिफिशियरीज होंगे उसको यहां पे इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि उसको लिंक किया जा सकता है। तो ये स्कीम कौन सी है? तो यहां पे जो यूनियन हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो हरदीप सिंह पुरी ने इसके लॉन्च किया है, ताकि यहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बेनिफिशियरीज है, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की स्कीम हो या आयुष्मान भारत की जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो, उसको यहां पे लिंक किया जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, यहाँ पे जो अर्बन एरियाज में जो गरीब लोग रहते हैं, लगभग 20 मिलियन गरीब लोगों के लिए यहाँ पे 2020 तक यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसेस की स्टार्ट करने की बात हुई थी। तो ये जो स्कीम स्टार्ट किया गया है, इस स्कीम का नाम है अंगीकार। और यहाँ पे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया इसकी भी यहाँ पे लॉन्च की है, जो एक ई कोर्स है जो अवेयरनेस अबाउट नेचुरल हैजर्ड्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगी। तो ये जो स्कीम है जो स्टार्ट किया है, जो लिंक करेगी अलग अलग स्कीम के तहत, इसका नाम है अंगीकार। इनमें से कौन से स्टेट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है वॉक टू वर्क, यानी कि काम तक पैदल जाओ। तो ये स्कीम जो है फिट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था मेघालय ने। मेघालय के सीएम है कोनार्ड के संगमा और इसके गवर्नर है तथागत राय। इनमें से कौन से एयरलाइन ने यह कहा है कि 2019 के 2 अक्टूबर तक वहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा? तो यह कहा था एयर इंडिया ने। तो एयर इंडिया जो है पहली फ्लाइट है जो नॉर्थ पोल के ऊपर से भी उड़ी थी, और ये उड़ी थी दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि दिल्ली से अगर नॉर्थ पोल के ऊपर से होके जाया जाए तो वहां से टाइम कम लगता है। और जो एयर इंडिया के चेयरमैन है प्रदीप सिंह खरोला। इनमें से किसको यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2018-19 का अवार्ड मिला? तो ये 2018-19 का यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला वर्जिल वन जीक को। तो ये जो है नीदरलैंड्स के खिलाड़ी है, और ये लिवरपूल जो बार्कलेस प्रीमियर लीग का एक क्लब है वहां से खेलते हैं। और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, तो यूएफए और फीफा में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फीफा 2019 का जो अवार्ड मिला था, ये मिला था लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना टीम के कैप्टन है और जो बार्सिलोना स्पेनिश ला लीगा के तरफ से खेलते हैं। फीफा का प्रेसिडेंट का नाम है ज्ञानी इन्फांटिनो। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने जो है कौन से कंपनी के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए यहां पे पार्टनरशिप की है? तो यहां पे पार्टनरशिप की है गूगल के साथ। तो यहां पे जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को यहां पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पे मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन जो हो सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए वहां पे डिजाइन किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, इन्होंने पार्टनरशिप किया है गूगल के साथ।
इनमें से कौन से व्यक्ति को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है पीके सिन्हा को, पीके सिन्हा। तो पीके सिन्हा प्रिंसिपल एडवाइजर भी है। तो पीके सिन्हा और प्रमोद कुमार मिश्रा, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे जो पीके मिश्रा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अरविंद कुमार जो है एडिशनल सेक्रेटरी है, और विवेक कुमार जो है प्राइवेट सेक्रेटरी है। तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है पीके सिन्हा को। इनमें से कौन से टीम ने, कौन से देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 15 जो टूर्नामेंट ये जीती थी, तो ये जो जीती थी ये भारत ने जीती। तो इसका सही आंसर है भारत, इंडिया। तो इंडिया पे, इंडिया ने नेपाल को 7-0 से हराया था। तो यहां पे साउथ एशियन फुटबॉल के और भी यहां पे जो टूर्नामेंट है, जो एडल्ट, ये तो हुई अंडर 15, और जो एडल्ट में एक्चुअली ये 2018 में बांग्लादेश ने होस्ट किया था, जिसमें मालदीव्स ने इंडिया को हराया था 2-1 से। तो इसमें इंडिया जो है रनर्स अप हुई थी। कौन से जो स्कीम को, गवर्नमेंट स्कीम को स्कॉच अवार्ड मिला था, तो यहां पे स्कॉच अवार्ड मिला था दीनदयाल अंत्योदय योजना को। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसने जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जो उसको आजीविका बोलते हैं, और नेशनल लिवलीहुड मिशन, इसको रिप्लेस किया था, ताकि यहां पे जो गरीब और जो मार्जिनल लोग हैं उनकी यहां पे सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया जा सके। और जो, अगर याद रखिए, इसके साथ की वेस्ट बंगाल के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को स्कॉच अवार्ड मिला था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अवार्ड वेस्ट बंगाल के, और वहां पे उनकी जो अवार्ड मिला था एक गवर्नेंस गोल्ड कैटेगरी में, जो वेटिंग हट्स, यानी कि जो भी गर्भवती महिला होती है उनके लिए वेटिंग हट्स स्टार्ट किया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, उनकी यहां पे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी स्कॉच अवार्ड मिला था। इलेक्शन कमीशन ने ईवीपी लॉन्च किया, तो यहां पे ईवीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ईवीपी का यहां पे फुल फॉर्म है इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम, बी इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है सुनील अरोरा, और जो वाइस चीफ है अशोक लाबाशा और सुशील चंद्रा। और सुनील अरोरा को जो चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन एंड बॉडीज 2019 से लेकर 2021 तक के यहां पे चेयरमैन भी चुना गया है। भारत जो है 2021-22 में जो समंदर के नीचे यहां पे स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है समुद्रयान, समुद्रयान। तो यह प्रोजेक्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में स्थित है, इन्होंने स्टार्ट किया है, और यह जो है सागर के नीचे यहां पर स्टडी करेगी। और गगनयान जो है, गगनयान 2021 दिसंबर में छोड़ा जाएगा, और इसमें जो भी यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जो भी इंडियन एयरफोर्स है, तो वो रशिया में वो जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। इनमें से किन को मलिंडा और बिल गेट फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है, तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और इसके साथ ही चेंज मेकर अवार्ड मिला था पायल जहांगीर को। दोनों आपको याद रखने, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि चेंज मेकर अवार्ड मिला है पायल जहांगीर और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी को। वो कौन सा कल्चरल इवेंट है जिसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और पापुआ न्यूगिनी के जो हाई कमिश्नर्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये जो कल्चरल इवेंट है इसका नाम है नमस्ते पैसिफिक। तो ये जो है अलग अलग पैसिफिक कंट्रीज की यहां पे जो है कल्चर को यहां पे रिप्रेजेंट करेगी। और पीएम मोदी ने जो एक यहां पे गुजरात के जो यहां पे गुजरात भवन जो स्टार्ट किया था न्यू दिल्ली में, जिसका नाम है गर्वी गुजरात, तो ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया था। और ये नमस्ते पैसिफिक ये कॉन्फ्रेंस भी, जो कल्चरल इवेंट भी हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। आरबीआई जो है एक वर्निश्ड करेंसी नोट जो है ये स्टार्ट करने वाले है, तो ये कौन से डिनोमिनेशन की हुई, तो वर्निश करेंसी नोट क्या होती है कि नोट में क्या होती है, जब विथ टाइम यहां पे डर्ट लगने की वजह से ये नोट खराब हो जाती है, तो वर्निश से क्या होता है कि यहां पे एक प्रोटेक्शन लगेगी और ये नोट है जल्दी खराब नहीं होगी, क्योंकि ये पुराने नोट क्या करता है फिर से आरबीआई में चला जाता है, और उसको यहां पे ठीक करने के लिए, इसको फिर से नई रिन्यू करने के लिए आरबीआई को बहुत खर्चा हो जाता है। और 2019 में पूरे साल में लगभग 4,912 करोड़ रुपए आरबीआई के एक्स्ट्रा खर्चे हुए थे। तो यहां पे 100 रुपया के जो नोट है सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं
उसको यहां पे वर्निश्ड किया जाएगा, यानी कि ये कम गंदा हो गया, प्रोटेक्शन मिलेगा इसको, एक कोटिंग होगी इसमें, तो ये होगी ₹100। इनमें से कौन से जो होली प्लेस को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है माता वैष्णो देवी टेम्पल को। तो यहां पे जो है अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए थे, जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, सैनिटेशन हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, और ये माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है यहां पे, तो ये स्थित है कतरा जम्मू कश्मीर में। और इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक यहां पे रूल बनाया था कि 2018 में बनाया था ये रूल कि एक दिन में 50,000 से ज्यादा जो लोग है इसमें विजिट नहीं कर सकते हैं। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने सी प्लान ये नया ऐप शुरू किया है, तो ये नया सी प्लान ऐप शुरू किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो यहां पे जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्राइम हो फिर एब्डक्शन हो, उसको यहां पे ट्रैक करने के लिए ये शुरू किया है। और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो क्राइम के मामले में जो वुमेन के अगेंस्ट हो या फिर ऐसे जो एब्डक्शन हो, तो उसमें नंबर वन पे है, सेकेंड रैंकिंग पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें 2019 में भारत की रैंक है 34th। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करती है, ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें जो टॉप पोजीशन मिली थी स्पेन को, ओके, और यहाँ पे जो जापान को फोर्थ पोजीशन मिली थी, और 2018 में भारत की यहाँ पे रैंकिंग थी 40, 2019 में 34th हुई है। और याद रखिएगा दुनिया का मोस्ट लिवेबल सिटी, यानी कि कौन से शहर में रहना सबसे आसान है, इसमें टॉप पोजीशन मिला था वियना को, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, तो लास्ट 10 साल से वियना को ये अवार्ड जो है मोस्ट लिवेबल सिटी ये मिलता आ रहा है। इनमें से किसको लैंप ऑफ पीस सेंट फ्रांसिस्क अवार्ड 2019 का मिला है, तो ये मिला है बांग्लादेश के जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को। तो ये जो है इनकी कंट्रीब्यूशन जो पीस एंड हार्मोनी के लिए जो उन्होंने किया है, जो पीस एंड प्रमोशन, पीस की जो प्रमोशन की है, तो इसके लिए ये अवार्ड उनको मिला है मोहम्मद यूनिस। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट को चुना गया है कि सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है साथी, तो ये जो है इसकी सेटिंग करेगी, इसकी स्थापना करेगी। तो ये एक डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के द्वारा जो सेंटर ने स्टार्ट किया है, और ये लॉन्च किया गया है 125 करोड़, इसकी जो कॉस्ट होगी 3 सालों के लिए। तो ये जो है लॉन्च करेगी, ये जो स्टार्ट करेगी आईआईटी खड़गपुर। जो भारत के जो क्रिकेटर है रोहित शर्मा, तो उन्होंने वाइल्ड जो वर्ल्ड WWF और इंडिया और एनिमल प्लैनेट के साथ मिलकर कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है, तो ये कैंपेन जो लॉन्च किया है उसका नाम है रोहित फॉर राइनोज। तो ये राइनो वर्ल्ड राइनो डे जो होता है 22 सितंबर को, उस दिन इसको स्टार्ट किया था। तो ये कैंपेन जो है एक अवेयरनेस बिल्ड करेगी, जो यहां पे वन हॉर्न राइनो है, यानी कि एक शिंग वाला जो राइनो है, वहां पे इंडियन राइनो को यहां पे उसकी सजागता के लिए यहां पे एक कैंपेन शुरू करेगी। और वन हॉर्न राइनो जो है आसाम का स्टेट कैपिटल है। इंडियन आर्मी ने माउंट लियो पेरगिल, ये कौन से राज्य में स्थित है, इसको सक्सेसफुली अचीव किया, तो माउंट लियो पेरगिल है यहां पे हिमाचल प्रदेश में, तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। और ये काफी मुश्किल एक यहां पे प्रोजेक्ट था जिसको इंडियन आर्मी ने करके दिखाया। हिमाचल प्रदेश के जो CM है उसका नाम है जय राम ठाकुर, और उसके गवर्नर है वंदरायु दत्तात्रेय। इंडियन आर्मी ने सेंटनर 2019 एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये कौन से देश में आयोजित हुआ था, तो ये रशिया के एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसका सही आंसर है सेंटर रशिया। तो रशिया में अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जैसे कि वेस्ट में जो होता है उसका नाम है जापार्ड, देन रशिया के जो सेंटर पार्ट में होता है सेंटनर, ओके, और जो रशिया के जो साउथ पार्ट में होता है यहां पे कवकस, और जो ईस्टर्न पार्ट में होता है उसका नाम है वोस्टोक। तो व्लादिवोस्टोक जो आप याद सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पे दौरा किया था, रशिया को $1 बिलियन का एक फाइनेंशियल एड दिया था व्लादिवोस्टोक, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो इसमें जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 कंट्रीज है इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, जो 8 कंट्रीज है रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान
और उज्बेकिस्तान, तो ये आठ कंट्रीज ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। तो सेंटनर ये हुई थी रशिया के सेंटर। सीबीएसई कोर्स ने कौन से कंपनी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है स्कूल में ताकि उसको बढ़ावा किया जा सके? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है सीबीएसई ने यहां पे गूगल के साथ, ओके गूगल के साथ। तो सीबीएसई की यहां पे जो स्थापना हुई थी 1962 में और इसके चेयरपर्सन का नाम है अनीता करवल। इनमें से कौन से स्टेट ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना 2018 में शुरू की थी? तो ये 2018 में इसको शुरू की थी दिल्ली की गवर्नमेंट ने। तो यहां पे जो है पहले इसको शुरू किया था जो क्वालिटी कोचिंग दिया जाएगा जो इकोनॉमी के लिए डिसएडवांटेज लोग हैं, एससी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया कि अभी जो जनरल कास्ट के जो यहां पे स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, वहां पे भी उनको यहां पे जो जय भीम मुख्यमंत्री योजना के तहत कोचिंग दिया जाएगा। और दिल्ली ने डेंगू के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम है फाइट डेंगू कैंपेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 जो प्रोजेक्ट था उसमें विक्रम लैंडर जो है इसने जो मून में पहुंचने के लिए कितना दूर पहले जो है कनेक्टिविटी इसकी इसरो के जो है यहां पे कंट्रोल सिस्टम से इसकी कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई। तो यहां पे इसका सही आंसर है 2.1 किलोमीटर। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि चांद और मून के बीच में जो डिस्टेंस है यह है 384,400 किलोमीटर। तो पृथ्वी से यहां इतना दूर चली गई थी लेकिन 2.1 किलोमीटर रहने से पहले इसकी जो कनेक्टिविटी है ये लॉस्ट हो गई थी। तो ये जो देख सकते हैं आप लैंडर, तो इसके अंदर ये रोवर जो है ये छुपा हुआ है। तो ये सोलर पैनल जो है सोलर पैनल से ये एक्टिवेट होगी। तो ये अगर बाय चांस खुल भी गई तो ये रोवर्स फिर से सोलर पैनल से यहां से एक्टिवेट होकर अपना काम कर सकती है। और इसरो के जो मिशन डायरेक्टर था यहां पे सॉरी चंद्रयान 2 के जो मिशन डायरेक्टर थी वो थी रितु करिधाल और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी उनका नाम था मुथया वनिता। यहां पे कौन से स्टेट ने बोला है कि भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 51 शक्तिपीठ है उनका रेप्लिका जो है वो बना देगी? तो यहां पे त्रिपुरा ने कहा है। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के यहां पे गोमती डिस्ट्रिक्ट में ये 51 शक्तिपीठ के रेप्लिका बनाए जाएंगे जिसके लिए 14.22 एकड़ की जमीन यहां पे दिया गया है। तो 51 शक्तिपीठ पूरे भारत यहां पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है उनमें से 6 बांग्लादेश में है, 3 नेपाल में है, 2 है पाकिस्तान में, 1 है तिब्बत और श्रीलंका में, और 11 शक्तिपीठ जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो ये जो है शक्तिपीठ अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं 51 शक्तिपीठ। यूनियन गवर्नमेंट ने जल जीवन स्कीम जो नेक्स्ट 5 सालों में स्टार्ट करेगी यानी कि 2024 तक, तो इसमें कितना पैसा खर्च करने की यहां प्लानिंग है? तो यहां पे जो है टोटल पैसा खर्चे किए जाएंगे 3.5 लाख करोड़। तो यहां पे जो है हर घर में जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की बात है। तो ये जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर यहां पे किया जाएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। कारगिल टू कोहिमा ग्लोरी रन ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे स्टार्ट किया था? तो ये जो है इंडियन एयरफोर्स का जो 20वीं एनिवर्सरी है कारगिल विजय के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। 20 साल हो गए 1999 में हुई थी। तो यहां पे 25 लोगों की एक जो टीम है एयरफोर्स के जो वॉरियर्स उन्होंने कारगिल से लेके कोहिमा जो नागालैंड है जिसकी डिस्टेंस है टोटल 4,500 किलोमीटर, तो यहां पे हर दिन जो है उन लोगों ने 45 किलोमीटर हर दिन उन लोगों ने दौड़ा था 100 दिनों तक लगातार। तो इसका सही आंसर है इंडियन एयरफोर्स। इंडिया का पहला वाटर ग्रिड ये कौन से स्टेट में स्थित किया जाएगा? तो ये जो है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जो है रीजन में स्टार्ट किया जाएगा। इसका सही आंसर है मराठवाड़ा, भारत का पहला वाटर ग्रिड, और जिसमें टोटल 5 सालों में 3.5 लाख करोड़ यहां पे खर्चे होंगे। तो यहां पे जो है ये एक पार्ट है जल जीवन मिशन का जो यहां पे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एरिया में जो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको यहां पे सॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे रीजन है यहां पे जैसे कि औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, प्रभानी, हिंगोली, ऐसे जगह पे यहां पे पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा महाराष्ट्र में। इनमें से किसको चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं विजय कुमार चोपड़ा। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ प्रेस
ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है भारत की, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में और इसके वाइस चेयरमैन चुने गए हैं विनीत जैन। और जो अलीबाबा चाइना के जो ई कॉमर्स एक कंपनी है अलीबाबा, इसके जो फाउंडर चेयरमैन थे जैक मा, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, अपने आप को रिजाइन कर दिया है और इनके नए चेयरमैन जो बनेंगे डेनियल जैन। इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये कौन से राज्य में स्थित हुई, इसकी स्थापना हुई? तो ये जो हुई केरला के कुझिकोड़े में, इसका सही आंसर है केरला। तो यहां पे जो महिला है उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और उनकी जो जेंडर प्रायोरिटी को यहां पे इंपोर्टेंस दिया जाएगा। दुलीप ट्रॉफी 2019 कौन से टीम ने जीती? तो दुलीप ट्रॉफी क्या होती है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट होती है, तीन टीम यहां पे खेलती है, इंडिया रेड, इंडिया ब्लू और इंडिया ग्रीन, इंडिया येलो नहीं होती है यहां पे। तो यहां पे इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को फाइनल में हराया था, उसका सही आंसर है इंडिया रेड। इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर समिट ये कौन से सिटी में आयोजित हुआ था? तो ये हेलीकॉप्टर समिट आयोजित हुआ था देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था और यूनियन मिनिस्ट्री जो है सिविल एविएशन के, उनके जो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, और दिल्ली में एक नेशनल जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुई थी जिसकी नाम था अंगन। तो अंगन का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। अंगन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी न्यू दिल्ली में। भारत और कौन से देश मोतिहारी अमेलखुंज पाइपलाइन इसका अनावरण किया है? तो ये जो है साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है जिसकी टोटल लेंथ जो है 69 किलोमीटर। तो यहां पे मोतिहारी बिहार से लेकर नेपाल के अमेलखुंज तक यहां पे एक पाइपलाइन जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें है टोटल हर साल जो है 2 मिलियन मेट्रिक टन जो पेट्रोलियम यहां से बिहार से नेपाल भेजा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है नेपाल। तो नेपाल के अमेलखुंज और बिहार के मोतिहारी इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया है। जम्मू और कश्मीर को जो दो भाग में बांट दिया गया था उसमें जो आर्टिकल 370 को हटा के, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अभी यूनियन टेरिटरी हो गई। तो इसमें जो एसेट्स है अभी इस एसेट्स के यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसकी जो लाइबिलिटीज होगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमिटी जो है उसकी स्थापना की है। तो ये कमिटी के हेड कौन होंगे? तो ये कमिटी के हेड होंगे संजय मित्रा, ये फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे। 24वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये कौन से शहर में जो है ये आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस अबू धाबी में। तो ये 9 से लेकर 12 सितंबर तक हुई थी, आयोजित होगी नहीं, एक्चुअली आयोजित हो गई थी ये। तो यहां पे जो है ये इसका थीम था एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी, और ये जो है पहली बार स्टार्ट हुई थी 1924 में। हर 3 साल में एक बार होता है, हर 3 साल में एक बार होता है, और इसमें लगभग 150 कंट्री यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। और अबू धाबी में याद रखिएगा कि अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री थी 2019 में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का दूसरा रिवरलाइन मल्टीमॉडल टर्मिनल जो साहिबगंज में जो है उसको उसकी जो है अनावरण की। तो ये साहिबगंज जो है कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो ये साहिबगंज जो लोकेटेड है झारखंड में, इसका सही आंसर है झारखंड। तो यहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक की यहां पे जो असिस्टेंस मिली थी। तो पहला जो ये तो दूसरा है, तो पहला स्टार्ट किया गया था वाराणसी में रिवर गंगा के ऊपर ही। तो ये जो है मल्टीपोलर टर्मिनल इंडिया और नेपाल के जो कार्गो कनेक्टिविटी को यहां पे प्रमोट करेगी। सिरिविल्लीपुत्तूर पलकोवा ये एक मिष्ठान है जिसको जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला है। तो कौन से स्टेट के लिए इसको मिला है? तो ये सिरिविल्लीपुत्तूर पलकोवा ये जो मिला है तमिलनाडु को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। इंडिया का पहला स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन जिसको कमीशन किया गया मुंबई में, उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है INS खंदेरी। ये भारत का दूसरा स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है जिसको 28 सितंबर 2019 को इसको कमीशन किया गया। और पहला जो कमीशन किया गया था, पहला जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है उसका नाम है INS कलवारी। इनमें से किसको, कौन से डिप्लोमेट को UAE के क्लास ऑर्डर ऑफ जायद 2 क्लास ऑर्डर ऑफ जायद 2 से नवाजा गया? तो ये जो है नवदीप सिंह सूरी। तो ये इंडिया के एम्बेसडर है यूएई के लिए, इंडिया के एम्बेसडर है। तो यूएई के सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
और अगर पूछा गया ऑर्डर ऑफ जायद, तो ये ऑर्डर ऑफ जायद टू ऑर्डर ऑफ जायद जो यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाई सिविलियन अवार्ड, ये मिला था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। कौन से कंट्री जो है भारत की मेक इन इंडिया फ्लैगशिप की जो ट्रेन है पुलाठीसी एक्सप्रेस, उसको अनावरण किया, उसको वो चली गई अभी, वो भी जो है उस कंट्री में स्टार्ट होगी, तो ये होगी श्रीलंका में। तो यहां पे जो है इंटरनल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको स्टार्ट किया था। और एक चीज याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने जो महिलाओं के लिए एक पिंक जो कोचेस की भी शुरू की थी। इनमें से कौन से कंपनी जो है इंडिया का पहला कंपनी बना जो मैरिटाइम सेक्टर में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने शुरू की थी, तो ये शुरू किया था नेल्को ने। तो नेल्को एक टाटा ग्रुप का ही एक जो है पार्ट है, एक कंपनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी है रविशंकर प्रसाद। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि 1000 स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप देगी, जो पीएचडी का डिग्री देगी, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के यहां पे देगी। तो यहां पे 1000 स्टूडेंट्स जो है इंडिया में पीएचडी ले पाएंगे आशियान कंट्रीज से। आशियान जो है यहां पे एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, तो यहां पे आशियान कंट्रीज के जो हेडक्वार्टर है ये है जकार्ता में। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर है यहां पे शंघाई में, बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर है ढाका में, और सार्क के हेडक्वार्टर है काठमांडू में। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019, तो ये जो है फ्लोटिंग स्कूल जो गरीब बच्चों के लिए, मार्जिनलाइज बच्चों के लिए, यहां पे कौन से देश को ये जो है इसके लिए अवार्ड मिला है, तो ये जो है अवार्ड मिला है बांग्लादेश को। तो बेसिकली यहां पे इसके जो आर्किटेक्ट थे, इनके आर्किटेक्ट के नाम थे सैफुल हक। तो ये क्या है, एक एम्फीबियस स्कूल है कि बांग्लादेश के ऐसे जगहों पे मानसून के टाइम में बहुत पानी आ जाता है, तो स्कूल वगैरह यहां पे चल नहीं पाती है। तो ये पानी के टाइम में भी ये स्कूल जो है फ्लोट करते रहेगी पानी में, और जो समर जो विंटर के टाइम में भी ये स्कूल जो है काम करती रहेगी, तो दोनों टाइम में ये स्कूल चल पाएगी, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये स्कूल के लिए बांग्लादेश को आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट का नाम था आर्काडाया एजुकेशन प्रोजेक्ट, आर्काडाया एजुकेशन प्रोजेक्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इनकी जो यहां पे जो है कौन से सिटी में इसकी जो है फाउंडेशन स्थापन किया गया था, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो महेंद्रनाथ पांडे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन लॉन्च किया जो था मुंबई में। और ये तीनों के तीनों जो शहर है, मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर, तीनों ही जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है ये शुरू की जाएगी। तो ये जो है एक पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एवो। दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कौन से देश में स्टार्ट किया गया था, तो ये जो स्टार्ट किया गया था केनिया में। और साइमल्टेनियसली इसको जो है जो घाना और मालावी में भी स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर है केनिया। केनिया का कैपिटल का नाम है नैरोबी। यहां पे जो है एक कमिटी जो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हिसाब से दुनिया का कौन सा कंट्री है जो पत्रकारिता के लिए सबसे खराब है, तो इसका सही आंसर है इरिट्रिया। पत्रकारिता के लिए सबसे ज्यादा खराब है इरिट्रिया। सेकेंड रैंकिंग पे है नॉर्थ कोरिया, तीसरे पे है तुर्कमेनिस्तान, और चौथे पे है सऊदी अरेबिया। और इरिट्रिया का कैपिटल का नाम है असमारा। कौन सी भारतीय मूवी को जो द गार्डियन की तरफ से 21st सेंचुरी की सर्वश्रेष्ठ 100 मूवी में स्थान मिला है, एक ही भारतीय मूवी को मिला है, वो कौन सी है, तो वो है गैंग्स ऑफ वासीपुर। गैंग्स ऑफ वासीपुर, इसको डायरेक्शन किया था अनुराग कश्यप ने। तो ये जो है 59 पोजीशन में है, और पहले रैंकिंग पे जो थे वो था, उस मूवी का नाम था देयर विल बी ब्लड, दूसरे पे 12 इयर्स ए स्लेव, बॉलीवुड अंडर द स्किन, और अलग अलग ऐसे मूवीज थे टॉप 100 में, एक ही मूवी गैंग्स ऑफ वासीपुर। 2019 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता, 2019 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो जीता स्पेन ने, तो स्पेन ने यहां पे अर्जेंटीना को 95-75 से हराया था। और 2015 का जो जीता था यूएस ने, उसको होस्ट किया था स्पेन ने, चार साल में एक बार होता है। 2023 का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगी, ये होगी तीन देशों में, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस ने। और 2019 का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था यहां पर बीजिंग चाइना में हुआ था। यूएस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे, तो हाउडी मोदी जो है बहुत ही फेमस इवेंट हुई थी, कौन से शहर में हुई थी, तो ये हुई थी यूएसए के ह्यूस्टन शहर में। और यूएसए के जो यहाँ पे अगर बात करेंगे बोस्टन में जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नीना गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। और 2019 का जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी ये हुई थी न्यूयॉर्क में। निर्मल जल उत्सव ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो ये निर्मल आप देख रहे हैं ये जो है रुद्रसागर झील के पास में ये स्थित है और इसकी कंस्ट्रक्शन की थी त्रिपुरा के जो लास्ट जो रूलर है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य द्वारा। डिक्सी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट में इसकी स्टार्ट की गई थी, तो ये डिक्सी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी इसको स्टार्ट करने की बात है कि 24 मेगावाट जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसके अनावरण की थी जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेमा खांडू द्वारा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था, इसको अनावरण किया गया था। और ये जो कौन सी रिवर के ऊपर अगर पूछा गया तो ये रिवर का नाम है फुन डुंग टू रिवर, फुन डुंग टू। इनमें से कौन से व्यक्ति को 11वें रामदीक अवार्ड से नवाजा गया था, तो ये जो है एक मेघालय बेस्ड जो राइट एक्टिविस्ट है जिसका नाम है एनजेस खाल सिंह। तो इनको जो है यहाँ पे कोल माफिया से काफी चैलेंजेस मिले थे, फिर भी उन्होंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी, तो उनकी यहाँ पे बहादुरी के लिए रामदीक अवार्ड मिला था। और इनके साथ जो एक टर्किश एक्टिविस्ट है जो एक मेल वायलेंस के हिसाब से, उनका नाम है नेभात अकोक, उसको भी रामदीन अवार्ड 11वां मिला था। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीजीसी, तो इनके हिसाब से भारतीय जो यहां पे एक्सपोर्ट को यहां पे बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो स्कीम लॉन्च किया गया है, तो यहां पे एक्सपोर्ट गारंटी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो है इंश्योरेंस के लिए यहां पे एक्सपोर्ट के लिए यहां पे जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा 90% तक यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो ये जो है प्री पोस्ट या पोस्ट पोस्ट दोनों ही शिपमेंट में ये मिली जाएगी ताकि इंश्योरेंस के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। तो ये जो स्कीम का नाम है निर्विक जिसका फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। इनमें से किन को डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, तो ये डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल अवार्ड मिला था बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को। और एक चीज याद रखेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो मिला था इसरो के चेयरमैन के सिवन, तो दोनों में डिफरेंस है। के सिवन को मिला था डॉक्टर कलाम अवार्ड और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मिला था डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल अवार्ड, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। इंडिया जो है जो कौन से देशों के जो सिविल सर्वेंट्स है उनको ट्रेन करेगी उत्तराखंड में जो है, तो यहां पे 33 मालदीव्स के स्टूडेंट्स और 31 बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, उनको जो सिविल सर्वेंट है उनको भारत जो है ट्रेन करेगी। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश एंड मालदीव्स। तो यहां पे ये प्रोग्राम जो है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने। और एक चीज याद रखा कि उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने एक जो स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, जिसके तहत जो भी कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को बहुत ही कम दाम में 44 रुपया पर केजी के हिसाब से दाल जो है हर महीने मिला जाएगा। मुख्यमंत्री दाल योजना उत्तराखंड ने स्टार्ट किया था। अस्त्र मिसाइल इसकी जो स्ट्राइक रेंज है जो इंडियन एयरफोर्स ने जो एक टेस्ट किया था उड़ीसा के कोस से, इसकी जो स्ट्राइक रेंज यानी कि मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी जो अस्त्र मिसाइल है आप देख सकते हैं यहां पे, इसको जो है सुखोई 30 MK1 इससे जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि जो फाइटर जेट्स इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसकी मारक क्षमता है 70 किलोमीटर और इसकी जो अस्त्र मिसाइल इसकी जो टोटल वेट है 15 kg और इसकी स्पीड जो है हर घंटे ये 5555 किलोमीटर हर घंटे ये ट्रेवल कर सकती है इतनी स्पीड में। लोटस टावर सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन से देश में जो है इस
की अनावरण की गई। तो ये जो है साउथ एशिया का सबसे टॉलेस्ट टावर है, इसकी टोटल जो ऊंचाई है 350 मीटर, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग दोगुना है। यहाँ पे 17 फ्लोर यहाँ पे स्टोरी ये जो है लंबा है। तो इसका अनावरण किया गया था श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में, और इसके 80% जो यहाँ पे टोटल फंडिंग जो की थी चाइना ने की थी। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से कौन से देश के जो डायस्पोरा यानी कि जो कौन से देश के ओरिजिन के जो व्यक्ति है दुनिया में सबसे ज्यादा अलग अलग देशों में फैले हुए 2019 के हिसाब से, तो इसका सही आंसर है भारत। तो भारत के लगभग 17.5 मिलियन जो लोग हैं पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं इंडियन ओरिजिन जो लोग, यानी कि लगभग 1,75,00,000। ओके, तो यहां पे जो है इंडिया में अलग अलग देशों के लगभग यहां पे कहा जाता है कि 5.1 मिलियन जो लोग हैं 2019 के हिसाब से इंडिया में रह रहे हैं, यानी कि लगभग 50,00,000 के आसपास इंडिया में रहते हैं। यहां पे हैदराबाद और कर्नाटका रीजन, तो उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। तो इसका नया नाम क्या है? तो इसका जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन का नया नाम जो है यह है कल्याण कर्नाटका। तो ये जो है कर्नाटका के कैबिनेट ने स्टार्ट किया था, जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन है ये इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे आर्टिकल 371J के तहत यहाँ पे जो है स्पेशल स्टेटस मिला है। इसमें अलग अलग काफी बैकवर्ड एरियाज रहा जाता है, जिसका नाम है जैसे कि बिदार है, बलेरी है, कालाबुरगढ़ी है, यहाँ पे कोपल है, रायचूर है, यार्डगिरी है, 6 अलग अलग यहाँ पे एरिया है। तो इसका नाम चेंज करके कल्याण कर्नाटका कर दिया गया था। इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए 2019 के लिए नॉमिनेट हुआ था? तो ये जो नॉमिनेट हुआ था इसका जो डॉक्यूमेंट्री का नाम है मोती बाग। तो ये जो एक स्ट्रगल की यहाँ पे जो है यहाँ पे एक फार्मर की स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे बात किया गया, जो हिमालयन विलेज में रहते थे। तो इन जो फार्मर का नाम था विद्यादत्त, और इसके जो डायरेक्टर नाम का नाम था निर्मल चंद्र दंद्रियाल। और जोया अख्तर की एक मूवी जिसका नाम है गली बॉय, गली बॉय इंडिया की 2020 की ऑस्कर में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है गली बॉय। इसको डायरेक्शन किया था जोया अख्तर ने। इनमें से कौन से शहर ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स एंड एचआईवी एड्स का जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था इम्फाल में। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, इसके जो सीएम है आरएन रवि, और यहां पे जो है मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा हेप्तुल्ला। साउथ एशिया का पहला एनवायरमेंटल स्कूल ये कौन से स्टेट में जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी कुर्ग में, और कुर्ग है कर्नाटका में। और इंडिया का पहला जो नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब ये स्टार्ट किया गया था कोलकाता में, इंडिया का पहला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब। और इंडिया का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ये स्टार्ट किया गया था ग्रेटर नोएडा में। और स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये जो है महाराष्ट्र में जो है स्टार्ट किया गया था, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के वर्धा में इसको जो है अनावरण किया गया था। गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ये कौन से शहर में इसकी जो है स्थापना की है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्टार्ट किया है बेंगलुरु में। इनमें से कौन किस व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए अपॉइंट किए गए? तो इससे पहले जो थे जॉन बोल्टन, तो इनको जो है निकाल दिया गया था, तो नए अपॉइंट किए गए थे रॉबर्ट ओ ब्रेन को। तो और एक चीज याद रखिएगा कि आनंद कुमार जिसके इंस्पिरेशन से जो सुपर 30 मूवी बनी थी, तो उनको यूएसए में जो है एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से नवाजा गया था आनंद कुमार को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ मार्शल बने हैं? तो ये है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इसका सही आंसर। और वाइस चीफ जो पूछेंगे जो है ये है एचएस अरोड़ा। तो इससे पहले जो थे वीरेंद्र सिंह धनुआ, ये रिटायर हो गए हैं, तो इनके बाद जो है आरकेएस भदौरिया नए एयरफोर्स के चीफ मार्शल बने। इनमें से कौन से मूवी को आईएफआर 2019 में बेस्ट मूवी अवार्ड मिला है? तो ये बेस्ट मूवी अवार्ड मिला था राजी को, और बेस्ट स्टोरी जो मिला था अंधाधुन को, बेस्ट एक्टर मिला था रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला था आलिया भट्ट को, और बेस्ट डायरेक्टर मिला था श्रीराम राघवन को।
IFO, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन से स्टेट में लॉन्च किया? तो ये सोलर पार्क सबसे बड़ा जो लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है गुजरात में। तो गुजरात में क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा जो सोलर एनर्जी गिरती है, तो यहां पे भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क स्टार्ट किया है गुजरात में, जिसकी टोटल जो लागत होगी ये 25,000 करोड़। तो यहां पे कहा गया है कि जो है लगभग 1 गीगावाट तक जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की गई है। और यहां पे अगर बात करें कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, इसके हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कौन सा लद्दाखी डांस जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुई थी, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, जो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम है शोंडोल डांस। तो इसमें लगभग 408 महिलाओं ने ट्रेडिशनल डांस जो की थी, ट्रेडिशनल कपड़े पहन के, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहां पे पार्टिसिपेट किया था। शोंडोल डांस सही आंसर, शोंडोल डांस। कौन से हाई कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 के तहत? तो ये जो कहा है केरला हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने, क्योंकि वहां पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, कोई जो स्टूडेंट्स को वहां पे जो अपने हॉस्टल्स में इंटरनेट जो है यूज करने के लिए मना कर दिया था, तो उन लोगों ने पेटिशन फाइल कर दिया था। तो यहां पे केरला हाई कोर्ट के जो जस्टिस है पी भी आशा, उन्होंने ऑर्डर के हिसाब से ये किया गया कि इंटरनेट एजुकेशन के तहत यहां पे एक जो है फंडामेंटल राइट है जिसको काट नहीं सकते हैं। तो केरला टूरिज्म को यहां पे एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है पाटा। पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक ट्रेवल एसोसिएशन अवार्ड। तो ये केरला टूरिज्म को 3 अवार्ड मिले थे यहां पे। तो ये मिले थे कजाकिस्तान के जो कैपिटल नूर सुल्तान में। कजाकिस्तान का पूरा पहले जो कैपिटल नाम था अस्ताना, इसको चेंज करके उन लोगों ने नूर सुल्तान नाम रख दिया। तो अभी कजाकिस्तान का नया कैपिटल है नूर सुल्तान। इनमें से किसको गौरी लंकेश अवार्ड पत्रकारिता के लिए मिला था? तो ये गौरी लंकेश अवार्ड जो मिला था रवीश कुमार को, और रवीश कुमार को जो है ये अवार्ड उनकी जो शार्प एनालिसिस पॉलिटिकल न्यूज के लिए मिला है, और इससे पहले इनको रमन मैगेसेसे अवार्ड भी मिला था। कौन से स्टेट ने अपुनार अपुन घर स्कीम इसको लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया असम के गवर्नमेंट ने। तो इसका मीनिंग है आपका अपना घर। तो यहां पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको यहां पे जो है 15 लाख तक यहां पे जो है जो मैक्सिमम लोन दिए जाएंगे, और 1 लाख की यहां पे सब्सिडी दी जाएंगी। और इसमें जो है महिलाओं को यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है यहां पे 8.55, और जो पुरुषों के लिए यहां पे जो है इंटरेस्ट रेट 8.5%। तो ये अपना अपन घर होम लोन है, आसाम के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। 25वीं सीनियर वोमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ये कौन से टीम ने जीता? तो ये जो जीता था मणिपुर ने। ओके, तो इसका सही आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर ने यहां पे फाइनल में रेलवेज को हराया था, और ये जो होस्ट किया था ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट अरुणाचल प्रदेश ने होस्ट किया था। इनमें से कौन जो फीमेल ऑफिसर है अरुणाचल प्रदेश की, तो उनको जो है इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट तक यहां पे एलिवेट किया गया है। तो उनका जो नाम है पुनुंग डोमिंग। इनमें से कौन से व्यक्ति को शस्त्र रामानुजन प्राइज 2019 से नवाजा गया था? तो ये शस्त्र का फुल फॉर्म है संगुघा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। तो ये जो मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक के जो प्रोफेसर एडम हार्पर को। तो यहां पे एक नियम है रामानुजन प्राइज, तो कोई भी व्यक्ति जो आयु उनकी 32 साल से कम होनी पड़ेगी, और उनकी जो मैथमेटिकल एक्सीलेंस के लिए ये अवार्ड उनको दिया जाता है। पहली ये स्टार्ट किया गया था 2005 में, और रामानुजन जो भारत के एक बहुत ही, भारत के नहीं पूरे दुनिया के एक बहुत ही विख्यात गणितज्ञ थे, उनके स्मरण पे ये अवार्ड दिया जाता है, और उनके नाम पे एक मूवी भी बनी थी रामानुजन द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। 2019 का जो रशिया के सोक्लो वो में जो चेस के जो वर्ल्ड कप हुई थी उनमें कौन विजय रही? तो इनमें विजय रही कोनेरू हम्पी, ये आंध्र प्रदेश के चेस प्लेयर हैं। इनमें से किसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे दोबारा चुना गया है? तो ये दोबारा चुना गया है सेबेस्टियन को,
और इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन ने भारत के जो पीटी उषा को वेटरन पिन अवार्ड दिया था, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, इसके हेडक्वार्टर है मोनाको में। और एक चीज याद रखिएगा कि डिफेंस है कि चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटी न्यू जो है उनके जो नए चेयरमैन, वो चेयरमैन जो बने थे बिपिन रावत, और बिपिन रावत अभी जो है भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भी बने हैं। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2019 का भारत की इसमें रैंकिंग क्या है, तो ये इंडेक्स जो रिलीज करती है IMD, और इसमें 63 कंट्रीज में ये सर्वे किया गया था, जिसमें पहला स्थान हासिल हुआ था यूएसए को, दूसरा स्वीडन, तीसरा सिंगापुर। तो इसमें तीन मेन फैक्टर्स यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि नॉलेज कैसे किया जाता है, जो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस कैसी होती है यहाँ पे, फ्यूचर रेडीनेस के लिए कौन सी देश कितनी तैयार है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है 44। कौन से देश ने दुनिया का जो बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट शिप जिसका नाम है कुनो तोरी 8 वो लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है जापान ने। तो जापान के यहां पे H-28 रॉकेट में इसको लॉन्च किया गया था, जापान के जो जाक्सा, जो उनके जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने स्टार्ट किया था। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के हिसाब से, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रैंकिंग के हिसाब से, कौन सा इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है, तो ये बेस्ट एयरपोर्ट जो है ये जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जिसमें 100% जो है सोलर एनर्जी से चलती है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर किनको चुना गया है, तो ये हरियाणा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर चुने गए हैं कपिल देव को, और यहां पे जो है कपिल देव को इससे पहले जो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के जो सेंटिनरी यानी कि 100 ईयर्स होने वाले जो वहां पे समारोह में कपिल देव को भारत गौरव अवार्ड भी नवाजा था ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के तहत। और यहां पे अगर बात करेंगे, दिल्ली कैबिनेट ने भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूवल दिया था, और जो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, इन्होंने मिलके मणिपुर के इम्फाल में जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भी यहां पे मंजूरी दे दी है। तो ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज है। आसाम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने प्लान्स फॉर प्लास्टिक लॉन्च किया है, तो ये प्लान्स फॉर प्लास्टिक लॉन्च किया है बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है स्वच्छता ही सेवा के अंदर है, तो यहां पे जो भी लोग हैं उनको अपने घरों से प्लास्टिक लाके यहां पे जो है यहां म्यूनिसिपल ऑफिस में यहां पे डोनेट करने के लिए यहां पे एंकरेज किया जाता है कि आप लोग अगर वहां पे जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो यहां पे लगभग 1 kg का यहां पे प्लास्टिक डोनेट करेगा यहां पे, तो उनको जो है जो बहुत ही बहुमूल्य जो पौधा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है बंगाईगांव। बड़ा दशाई फेस्टिवल ये कौन से देश में, कौन से देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और ये जो बड़ा दशाई फेस्टिवल है ये नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो 15 दिनों तक मनाया जाता है, और ये नवरात्रि के टाइम में ही ये शुरू होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि तेलंगाना में एक फेस्टिवल जो स्टार्ट हुई थी उसी टाइम, जिसका नाम है भाटुकामा फेस्टिवल। 64th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2019 में, तो इसमें भारतीय जो डेलीगेशन को लीड किसने किया था, तो ये भारतीय डेलीगेशन को लीड किया था जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उगांडा में, और उगांडा का कैपिटल का नाम है कंपाला। इनमें से कौन से स्टेट ने नीति आयोग के जो एक रिपोर्ट है सेकी का यहां पे फुल फॉर्म स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसमें टॉप किया है, तो इसमें टॉप किया है केरला ने। ओके, तो यहां पे सेकंड रैंकिंग पे है राजस्थान, थर्ड पे है कर्नाटका, और यूनियन टेरिटरीज में अगर देखेंगे तो चंडीगढ़ जो है टॉप मोस्ट पोजीशन में है चेकी के हिसाब से। और इंडिया का पहला जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिसेफ के साथ यहां पे जो है मिलके की थी, और यूनिसेफ और नीति आयोग ने मिलके गांधीयन चैलेंज भी स्टार्ट किया था। कौन से पहले भारतीय जो म्यूजिशियन है जिनके नाम पे अभी एक छोटा सा प्लेनेट होगा, तो यहां पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है पंडित जसराज,
उनके नाम पे एक एस्टेरॉयड का नाम रखने का बात किया है। तो ये एस्टेरॉयड का नाम अभी होगा पंडित जसराज, और ये पंडित जसराज नाम का जो ये एस्टेरॉयड है ये मार्स और जो जुपिटर है इसके बीच में यहां पे प्रदक्षिण करती है पंडित जसराज, तो इनके नाम पे अभी एक एस्टेरॉयड वहां पे होगी। मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड ये किनको मिला है, तो ये मिला है भारत के जो पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को। तो ये महात्मा गांधी के 150वीं जो जन्म जयंती के हिसाब से रामनाथ कोविंद जी ने उनको ये अवार्ड से नवाजा गया, मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड। और स्वच्छ रेल भारत 2019 के हिसाब से जो जयपुर रेलवे स्टेशन को सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का घोषित किया गया था, और सबसे क्लीनेस्ट जोन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। और स्वच्छ भारत दिवस जो है इसकी जो स्टार्ट 2019 में की थी अहमदाबाद से। कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने फिट इंडिया प्लॉग रन ये जो ऑर्गेनाइज किया, तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो है यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उनके जो मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, तो यहां पे गांधी जी की यहां पे 150वीं जन्म जयंती के हिसाब से ही इसको स्टार्ट किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ऑडियो ओडिगोस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। तो यहां पे कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने जो भाषा के हिसाब से टूरिज्म में उनको जो है इस ऐप के जरिए हेल्प मिल सकता है, ऑडियो ओडिगोस। इंडिया का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल ये कौन से सिटी में, कौन से शहर में इसकी अनावरण की गई थी, तो इसकी अनावरण की गई थी मुंबई में। तो मुंबई के यहां पे अरेबियन सी में जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है वहां पे इसकी अनावरण की गई थी। और इसको इंस्टॉल करने के लिए जो यूएसए के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनबीए बोला जाता है वहां उन्होंने इसकी मदद की थी। तो फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट इंडिया का पहला मुंबई में स्टार्ट किया गया था। कौन सा स्टेट जो भारत का तीसरा स्टेट बना जो पान मसाला को यहां पे बैन कर दिया था वहां पे, तो यहां पे फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के हिसाब से जो भी सुपारी होती है इसमें अलग अलग कोटिंग होती है जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, टोबैको, मिनरल ऑयल, तो यहां पे फ्लेवर्ड सुपारी जो है उसको बैन कर दिया गया है राजस्थान ने। तो राजस्थान भारत का तीसरा राज्य बना जो पान मसाला को बैन कर दिया था, पहला राज्य था महाराष्ट्र एंड बिहार। कौन से बैंक ने एक शॉर्ट टर्म ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसका नाम है एक्सप्रेस एफडी इसकी लॉन्च की, तो ये लॉन्च की एक्सप्रेस एफडी एक्सिस बैंक ने। तो यहां पे कोई भी जो व्यक्ति है ये बहुत ही जल्दी 3 मिनट में अपना एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है एक्सिस बैंक में, और जरूरी ही नहीं कि उस व्यक्ति का एक्सिस बैंक में अकाउंट हो। तो यहां पे मिनिमम 5 से लेके 90,000 तक यहां पे जो है डिपॉजिट किया जा सकता है एटलीस्ट 6 से लेके 12 महीने तक। तो एक्सप्रेस एफडी स्टार्ट किया था एक्सिस बैंक ने। कौन से गवर्नमेंट ने ऊर्जागिरी कैंपेन जो पावर जो चोरी किया जाता है उसको अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया गया था, तो यहां पे पावर जो चोरी किया जाता है या पावर सेविंग के लिए ऊर्जागिरी कैंपेन लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। तो इसको आप याद रख सकते हैं ऊर्जागिरी यू फॉर उत्तराखंड, तो ऐसे जो है आप इसको याद रख सकते हैं। प्रकाश पोर्टल कौन से गवर्नमेंट ने जो है इसको इसको जो है कौन से फील्ड के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था प्रकाश पोर्टल कोल के लिए। तो प्रकाश का फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी। तो यहां पे क्या होता है कि कोल के जो खदान है वहां से जो भी कोल निकलती है वहां पे जो ट्रक्स होती है फिर उसको थ्रू रेलवे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसमें अलग अलग सप्लाई चेन होती है, तो सभी के बीच में एक हार्मोनी बैलेंस करने के लिए यहां पे जो है एक पोर्टल स्टार्ट किया गया जहां पे यहां पे रियल टाइम ट्रैकिंग किया जा सकता है जो अलग अलग यहां पे कोऑर्डिनेशन करेगी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के हो, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हो, कोल इंडिया या रेलवेज के बीच में किया जा सकता है। और इसकी जो यहां पे प्रकाश पोर्टल को डेवलप किया था नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। कौन से ऑयल कंपनी ने जो ये कहा है कि वो जो प्लास्टिक वेस्ट है वहां पे स्पेशल बिटुमिन जो है उसको तैयार कर सकती है, तो ये कहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, तो इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये बिटुमिन जो है इसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये गांधी जी की 150वीं जो जन्म जयंती हुई उसके लिए जो भी स्वच्छता के हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया था। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का नाम है संजीव सिंह। इंडियन आर्मी ने
बिगेस्ट एवर जो माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है हिम विजय, ये कौन से स्टेट में किया था? तो ये जो है इसमें तीन अलग अलग बैटल ग्रुप्स है जिसमें एक ग्रुप में 4000 से ज्यादा शोल्डर थे, तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 14000 फीट में ये एक्सरसाइज किया था। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पे आप जो ये येलो लाइन देख सकते हैं ये इंडिया और चाइना का यहां पे बॉर्डर लाइन है जिसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में होती है और लाइन ऑफ कंट्रोल जो होती है LOC ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। तो यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां इस लाइन से 100 किलोमीटर आगे जाके ये एक्सरसाइज किया गया था। इनमें से किन को PCA प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से नवाजा गया था? तो PCA यहां पे है प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये अवार्ड मिला था बेन स्टॉक्स को। और कैन विलियमसन जो थी 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहां पे मैन ऑफ द सीरीज थे। रोहित शर्मा को यहां पे सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए यहां पे गोल्डन बैट अवार्ड मिला था और गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया के बॉलर मिचेल स्टार्क को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 का नोबेल में, नोबेल के जो फिजिक्स में यानी कि जो भौतिक विज्ञान में, इनमें से किन को नोबेल प्राइज मिला था 2019 के? तो यहां पे तीन व्यक्ति को मिला था। तो ये तीन व्यक्ति जो है यहां पे जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर और डीडीआर क्वेलोज, तो तीन व्यक्ति को मिला था। उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे छह अलग अलग यहां पे विषय के में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो फिजिक्स में तीन व्यक्ति को मिला था, मेडिसिन में भी यहां पे तीन व्यक्ति को मिला था, विलियम जे कलीन, पीटर रेडक्लिफ, ग्रेग एल सिमेंजा को। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के लिए मिला था तीन व्यक्ति को, जॉन गुडेनबोरा, स्टैनली विटिंगहॉम और अकिरा योशिनो। और जो लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए अवार्ड मिला था एक व्यक्ति को, पीटर हैंडके को। और शांति के लिए अवार्ड मिला था अबी अहमद अली को। और जो इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्र के लिए जो अवार्ड मिला था, भारत के ओरिजिन जो है अभिजीत बैनर्जी, ये आप देख सकते हैं अभिजीत बैनर्जी, उनकी वाइफ जो है इस्तर डफलो और जो माइकल क्रेमर, तो माइकल क्रेमर इनको भी जो है अर्थशास्त्र के लिए तीन व्यक्ति को नोबेल प्राइज 2019 में मिला था। इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कौन से शहर में इसकी स्थापना की गई? तो यहां पे भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के साथ मिलके ये पैक साइन किया था। तो इसका सही आंसर है भोपाल। तो यहां पे कोई भी जो घर है वहां से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या फिर जो कमर्शियल यूनिट्स है वहां पे उसको लाके उसको अलग अलग कामों में लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है भोपाल। 2019 का वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसॉफी ये कौन से शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था पुणे में। ये पांचवा ऐसा जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित हुआ था पुणे में। और इसका जो थीम था रोल ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसॉफी फॉर वर्ल्ड पीस एंड वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। और इसके साथ याद रखिएगा जो महाराष्ट्र के ही नागपुर में 63rd धर्मचक्र प्रवर्तन डे, धर्मचक्र प्रवर्तन डे इसकी जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, ये आयोजित हुई थी भारत के जो संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर के लिए। नीति आयोग ने यूथ को लैब कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के साथ इसको मिलकर स्टार्ट किया था? तो इसको जो है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था यूथ को लैब। इसका सही आंसर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहां पे जो है ये जो युवा है उनके जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा यहां पे। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो हेड है उनका नाम है अचिम स्टीलाइनर और इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये थे हमारे फ्लैशबैक सीरीज 2019 का जो पार्ट 8 के सर्वश्रेष्ठ जो 100 क्वेश्चंस। तो इसमें एक्चुअली आप लोगों ने अगर काउंट भी किया होगा तो लगभग 125 से लेकर 130 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं और लगभग हर क्वेश्चन में हम लोग अगर 6 से 7 डिटेल्स भी यहाँ पे कवर करते हैं ताकि आपको किसी भी एंगल से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए उसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो और आपसे आपको बहुत लाभ मिलता होगा। तो बहुत कम दिनों में हम लोग एक वेबसाइट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे जो लिंक्स है उसके PDF आपको उस वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे।
तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का जो सपोर्ट है ये हम लोग को बहुत इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।